नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अभी हाल ही में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की हद में, खासकर नाला सुपारा में, पिछले महीने में एक साथ कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया। ऐसे कई मामले, 3-4 मामले से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। मैंने इससे पहले भी खबर लगाई थी, आपने देखा था। तो इसी मामले में से एक मामला था एक ज्वेलर्स व्यापारी से जुड़ा हुआ। उस मामले में ज्वेलर्स व्यापारियों की संस्था MRSSF के उपाध्यक्ष भंवर के मेहता ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे आरोपी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे घिनौने कृत्य करने वाला आरोपी को फेडरेशन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं MRSSF ने एक बड़ी पहल करते हुए इस तरह का फैसला लेकर, इस तरह के आरोपियों को सहयोग नहीं करने की बात करके, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर एक सीधा सा स्टैंड लिया है। MRSSF फेडरेशन बधाई की पात्र है इस तरह का स्टैंड लेने के लिए। और MRSSF ने इस मामले में पुलिस प्रशासन की भी सराहना की है। वीडियो में आगे सुनिए आप MRSSF के उपाध्यक्ष भंवर के मेहता का बयान को। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, अभी हाल ही में पेलार में एक ज्वेलर्स के द्वारा एक महिला के साथ में दुराचार करने की जानकारी सामने आई थी, खबर मीडिया में सामने आई थी। आपकी संस्था है महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार फेडरेशन, इसका इस पर क्या कदम है और क्या आपकी संस्था ऐसे मेंबर को, पहली बात तो ये कि आपके संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे मेंबर को सपोर्ट करती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना को हमें जब मालूम पड़ा तब वहाँ के अध्यक्ष को मैंने फ़ोन किया, जो कृष्ण सिंह राजपूत है, उनको फ़ोन किया था। तो उन्होंने, उनको कुछ पूरी जानकारी नहीं थी, तो लेकिन जब इससे मालूम पड़ा कि हमारे ज्वेलर्स वाले हैं इसमें, तो हमें काफ़ी चिंता हुई और हमें लगा कि ऐसा जो काम हुआ है, मतलब किसी भी लेडीज पे इज्जत के हाथ डालना और ये बलात्कार वाला टाइप का जो केस हुआ है और उसकी फोटोग्राफी भी करते थे, ये सब चीज़ जो हुई है ये काफ़ी चिंताजनक चीज़ है। और जो इन्होंने किया है वो गलत है, उनकी सज़ा भी उनको मिली है, लेकिन आगे के लिए उनको MRSSF में इसके लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे MRSSF में हम नहीं रख सकते हैं, एसोसिएशन में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो गलत करेगा वो एसोसिएशन में नहीं रह सकता। मतलब सीधे तौर पर आप जो है एक उपाध्यक्ष होने के नाते ये आज ऐलान कर रहे हैं कि MRSSF में ऐसे किसी भी लोग को आप शामिल नहीं करेंगे? नहीं, हम शामिल नहीं करेंगे। इसका कारण क्या कि इससे एक मछली जो होती है ना, पूरे पानी को खराब कर देती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को हम एसोसिएशन से हटा देंगे। जो भी लोग ऐसा गलत काम करेंगे, इसके हिसाब से एसोसिएशन का नाम खराब होता है, वो हम नहीं होने देंगे। एसोसिएशन सर्वोपरि होता है, एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है कि उसके ऊपर हर इंसान को विश्वास होता है, और ऐसा करने से लोगों को विश्वास टूट जाएगा कि ये एसोसिएशन वाले ऐसे करते हैं। कल तो उनकी जनता में भी हमारी चर्चा होगी, तो ये जो एसोसिएशन वाले ऐसे करते हैं, तो हम ये चीज़ को बिल्कुल हम पूरा घोर विरोध करते हैं। और आगे कभी कोई भी ये मामले में हम उनकी मदद कभी नहीं कर सकते, अभी तक मदद की नहीं है और नहीं करेंगे। बोलते थे कि 2-2.5 साल से ऐसा ही इनका सब चल रहा था, तो ये मामला कोई पेचिंदा है, उसमें काफ़ी अभी भी इन्वेस्टिगेशन का भाग ही होगा, तो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा बाद में तो मानना पड़ेगा। तो सर, पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस आज की मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमारे DCP साहब सब अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे इससे पहले भी देखो, 2 घटना ऐसी हुई थी कि एक प्रजापति की लड़की थी विरार में, वो भी गई थी, उसको भी मेरे कहने पर, मेरे लेटर जाने के बाद में कम से कम 36 घंटे वो लड़की आ गई थी। उसके बाद नाला सोपारा में भी एक ऐसा हादसा हुआ था कि उसमें भी वो लड़का कोई पालघर वाला लेके गया था, उसको भी उन्होंने 36 आवर में या 72 घंटे में उस लड़की को भी ला के ये किया था। और ये जो तीसरा हुआ उसमें भी पुलिस की भूमिका अच्छी रही। ये तीनों काम जो पुलिस ने किया है सराहनीय है, और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आगे भी कोई भी ऐसे अच्छे काम करेंगे, हम आपके साथ हैं।
हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।